खबर देवली से। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आज से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गावड़ी में शुरू हुआ। आईसीटी लैब प्रभारी संजय सोयल ने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस की परीक्षा हेतु दो दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आज दिन 11/10/2021 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गावड़ी में शुरू हुआ। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम श्री राम राय मीणा, पीओ गावड़ी श्री दयाल राम मीणा एवं संदर्भ व्यक्ति श्री मोहम्मद नासिर ने संभागियों को संबोधित कर कक्षा 3, 5, 8 व 10 के छात्रों हेतु आयोजित होने वाली एनएएस परीक्षा के उद्देश्य एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में संभागियों ने शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन, जिसमें छात्रों का स्तर का परीक्षण कर उनमें गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उपरोक्त कक्षाओं के छात्रों का लिखित में ओएमआर शीट पर परीक्षा ली जाएगी। उसके परिणाम के आधार पर इस बच्चों के लिए वर्कबुक का निर्माण किया जाएगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। इस अवसर पर द्वारका प्रसाद प्रजापति, नवीन कुमार गौतम, रामनिवास जाट, शिवराज मीना, दिनेश जोशी, कैलाश शर्मा, राजेश मीना, विनोद शर्मा, संगीता शर्मा, नीरू चौधरी, सविता गोयल, पप्पू लाल मीना, शिशुपाल चौधरी, धर्मवीर गुर्जर आदि संभागी उपस्थित रहे। आप इस तरीके पर थोड़ा सा अपना चिंतन करें, अगर बच्चे को हमें सीखना और सिखाने के बाद उसके स्तर को, उसकी प्रगति को जांचना या मापना है, तो बताए आप कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं। देखो, आपने सही सुना, देखिए पहला तरीका आपको प्रगति नहीं करा रहे होंगे एक तरीका हो सकता है कक्षा कक्ष में गई प्रति। ऐसे ही और तरीका आप ले सकते हैं। बताएं क्या होगा वो तरीका। वो तरीका होगा